हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ स्टूडियो मास्टर का प्रोफेशनल डीजे मिक्सर DJX 35, यानी कि जो अपडेट होकर X 35 मॉडल हुआ है। और दोस्तों, इसके पहले हम DJX 825 का मिक्सर भी चलाए हुए हैं, इसका भी चलाए हुए हैं। तो दोस्तों, इसका पहले क्लोज लुक दिखाते हैं, उसके बाद इसके बारे में बताएँगे, उसके बाद ये स्टूडियो मास्टर 825 के जैसा है कि नहीं है इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों, इसका आप लोग क्लोज लुक देखिए, मैं काफ़ी अच्छे से जूम करके दिखा रहा हूँ किस तरह कंपनी ने इसको अपडेट किया। दोस्तों, थोड़ा सा इस पर धूल लग गया है, प्रोग्राम पर गया हुआ था। दोस्तों, इसके पीछे की तरफ देखिए आप लोग। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस आउटपुट हुआ है, यहाँ पे मास्टर आउटपुट, उसके बाद बूथ का सेटिंग आया है। बूथ में आप लोग लगाएंगे, थोड़ा सा इसमें बेस ज़्यादा मिलता है। अगर आप लोग सिंगल चैनल चलाते होंगे तो जानते ही होंगे, इसमें रिकॉर्ड का आउटपुट है, यानी कि इसमें थोड़ा सा ट्रेबल रहता है, मेन फ्रिक्वेंसी नहीं रहती है। दोस्तों, आप लोग अगर DJX 825 चलाए होंगे जान रहे होंगे। उसके बाद आप लोगों को लाइन इन मिल जाता है, लाइन टू, लाइन थ्री। और दोस्तों, यहाँ पर ऊपर अभी हम लोग बाद में बात करते हैं, आप लोग पहले इसको जान लीजिए। और इसके बारे में, डबल चैनल के बारे में मैं बताता हूँ, इसका आप लोग फर्स्ट वाला लुक देख लीजिए। तो दोस्तों, इसमें आप लोग देखिए, इसका स्लाइडर काफ़ी स्लाइडर अच्छा है और मुलायम भी है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको दोस्तों लो का गेन मिल जाएगा, मिड का गेन मिल जाएगा, प्लस में हाई का गेन मिल जाएगा, रोटरी वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे गेन जो कि 0 dB से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से इसको चलाने के लिए यहाँ से अपना LED बार मिला के इतना खोलिए कि यहाँ 0 dB तक आए, और इसको गेन इतना ही रखिए ताकि आपको कोई स्पीकर में प्रॉब्लम ना आए। इसमें आप लोगों को मीडिया प्लेयर, USB प्लेयर मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है। दोस्तों, कई बार हम लोग मोबाइल से बजाते हैं दोस्तों लगा करके, और ब्लूटूथ भी आप लोग लगा सकते हैं मोबाइल से। बाकी आप लोग अगर मोबाइल का इनपुट देते हैं तो दोस्तों कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और बाकी दोस्तों, इसमें चैनल 2 में भी वही दिया है, चैनल 3 में भी दिया है। बाकी मास्टर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बूथ का लेवल है। चलिए दोस्तों, यहाँ अगर आप लोगों को माइक लगाना हो तो आप यहाँ पे माइक XLR में लगा करके यहाँ से अपना पूरा सेटिंग कर सकते हैं, कितना आप लोग को लेवल कितना चाहिए। बाकी हम लोग इसमें माइक तभी लगाते हैं जब कोई कंपटीशन वगैरह में जाते हैं, वरना कोई आवश्यकता ही नहीं लगती है दोस्तों। बाकी यहाँ पर चैनल का सेटिंग है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप लोग डबल चैनल चला रहे हैं इधर से आगे पीछे कर देंगे, 1-2 ऑपरेट होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग डबल चैनल पर कैसे चलाते हैं इसको दिखाता हूँ। बाकी इसका थोड़ा सा पीछे का लुक आप लोग और देख लीजिए। दोस्तों, एक स्टूडियो मास्टर का मिक्सर में यही खासियत है कि जल्दी ख़राब नहीं होता है। मेरे पास एक स्टूडियो मास्टर 925 का मॉडल का मिक्सर, लगभग दोस्तों 2007 का मॉडल है, और अभी तक उसमें कोई समस्या नहीं हुई है। बाकी ये सब पिन वगैरह टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं हुआ है कि आवाज़ खरखराने की समस्या हो या किसी ट्रांसफार्मर की समस्या, इससे कोई दिक्कत नहीं आया है। बाकी आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पे फ्यूज मिल जाता है, आप लोग फ्यूज इसमें इनबिल्ट रहता है, यहाँ पे आना आपका स्विच है। तो दोस्तों, मैं बताता चलता हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों की इस मिक्सर में या कोई भी मिक्सर में, अगर वो DJ चैनल का मिक्सर है, 3 चैनल का या अन्य चैनल के DJ मिक्सर है, तो उसको डबल चैनल पर किस तरह चलाते हैं बताता हूँ। आप लोग सबसे पहले लाइन इन के नीचे वाले पोर्ट में लगाइए, उसके बाद सेकंड चैनल के लाइन 2 में ऊपर वाले पोर्ट में लगाइए। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है अब इसको देखिए।
यहाँ पर हम लोग फ्रंट साइड में चलते हैं, उसके बाद बताता हूँ। देखिए हम लोग फ्रंट साइड में आ गए हैं। तो दोस्तों इसमें ये होता है कि एक चैनल से आप लोगों का बेस निकलेगा, एक चैनल से ट्रेवल, और बेस की सेटिंग आप लोग इसमें कर सकते हैं। इसको हम स्लाइडर को गिरा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। बेस यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ से यहाँ तक खोल सकते हैं, बाकी मिड यहाँ पे रहे, हाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, गेन यहाँ पर तक, ताकि यहाँ तक ये लेवल जो है जीरो तक ही पहुँचे, उससे ज़्यादा ना, वरना आपका स्पीकर फॉल्ट कर सकता है। मान लीजिए बेस यहाँ तक खुल गया, उसके बाद जब यहाँ तक आप लोग आउटपुट दे देंगे तो यहाँ इस पर एक मास्टर वाला ये चैनल चलने लग गया। दोस्तों मैं इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, 24 तारीख को प्रोग्राम है, उस डेट पे हम आपको पूरा मशीन का वायरिंग सब कुछ बताएंगे। और फिर आप लोगों को जब बेस चलने लगेगा, इसके बाद हम लोगों को ट्रेबल देना है, फिर ट्रेबल का स्लाइडर उठाएंगे साथ में, उसके बाद इसको बेस का ट्रेबल वाले से चैनल पर बेस को एकदम लो कर देंगे, मिड को हल्का फुल्का खोल सकते हैं, हाई को यहाँ तक आप लोग खोलिए, और गेन को यहाँ पर, फिर एक दूसरे चैनल का बार यहाँ 0 dB तक चलेगा। तो दोस्तों जब दोनों चलने लगेगा, एक में आप लोगों का नीचे की तरफ दोस्तों ये मास्टर का नीचे की तरफ वाला जो रहेगा ये बेस का आउटपुट देगा, इसको आप लोगों को बड़े एम्पलीफायर में ले जाके इंसर्ट कर देना है, यानी कि खोज देना है। दोस्तों ये बड़े एम्पलीफायर यानी कि 18.02, 35.02, अन्य कोई बड़ा एम्पलीफायर होगा उसमें इसको लाइन इन में जो एम्पलीफायर का इनपुट आता है उसमें लगा देंगे। और उसके बाद जो एक आउटपुट ऊपर वाला निकला है दोस्तों, एक ट्रेबल निकालेगा, इसको ट्रेबल यानी कि 1000 वाट, 701, 501, जो भी आप लोग ट्रेबल का एम्पलीफायर यूज़ करते हैं ये उसमें आप लोग इंसर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद अपना 501 या 701 में जिसमें आप लोग ट्रेबल का आउटपुट देंगे वो देने लगेगा। तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये रहता है कि आप लोगों को आवाज़ में एकदम क्लियरिटी मिलती है। मान लीजिए आप लोगों को बेस कम चाहिए या तो ट्रेबल ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ से खोलने पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मिला नहीं पाते हैं आवाज़, तो उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे, ट्रेबल इतना चलेगा, यानी कि एकदम दोस्तों आप लोगों को जो आवाज़ रहेगा एकदम क्लियर चलेगा। मैं इसको आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आज के डेट में नहीं, आने वाले वीडियो में। कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आप डबल चैनल चलाना सिखाइए, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बाकी कुछ भाई लोग हैं जानते भी होंगे, तो जानते होंगे कोई बात नहीं है, अगर वो लोग दूसरे तरीके से चलाते हों तो कमेंट लिखिएगा, हमको भी थोड़ा सुझाव दीजिए, क्योंकि मैं भी किसी क्षेत्र में कोई मास्टर नहीं हो सकता है, धीरे धीरे सीखता है और बताता है, कुछ आप बताएंगे कुछ हम बताएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका प्राइस भी बताता चलता हूँ आप लोगों को, दोस्तों लगभग 11,000 के करीब में मिल जाएगा, और ये दोस्तों एकदम स्टूडियो मास्टर 825 के जैसा एकदम प्रोफेंस देता है, एकदम समझ लीजिए सेम मिक्सर है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है, थोड़ा सा क्वालिटी कम कर दी गई है दोस्तों, मैं देखने में लग रहा है थोड़ा सा क्वालिटी कम कर दी गई है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, धन्यवाद।